मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत के दौरे के बाद इस बयान के सामने आने से जाहिर है कि रमन सिंह खुद को समेट रहे हैं। उन्होंने आरएसएस को सेवा दल की नकल कर बनाया गया संगठन करार दिया। वरिंदेश्वरी जब कहती थी तब मानते नहीं थे, ये भी कहा, और कहा कि जोर का झटका लगा है तभी इस तरीके का बयान दे रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, और अकेले दौरे कर रहे थे तब भी संगठन ने उनको सही नहीं माना। वहीं मोहन भागवत के 40,000 साल पहले सबका डीएनए एक था वाले बयान पर कहा कि आरएसएस प्रमुख एक वर्ग विशेष के लोग ही क्यों बनते हैं, किसी दलित आदिवासी को बनाना चाहिए, और आरएसएस प्रमुख जो मुद्दा आज उठा रहे हैं उसको पहले कांग्रेस के लोग उठा चुके हैं, सभी चीज़ों की नकल कर रहे हैं, उसमें नया क्या है ये बताएं। सीएम ने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैचारिक दिवालियापन से ग्रसित हैं। पार्टी अपने किसी चेहरे रखे उसमें मुझे क्या, मैं क्या कह सकता हूँ, है ना। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और विधानसभा में उसके चेहरे से लड़ेंगे तो 40,000 साल पहले सबका डीएनए एक था, अब बड़ा रिसर्च करके बता रहे हैं तो फिर ये नफरत क्यों। और फिर आरएसएस प्रमुख एक वर्ग विशेष के लोग क्यों बनते हैं, फिर सबका डीएनए एक है तो फिर किसी दलित को आदिवासी को किसी को बनाना चाहिए सरसंचालक, वही क्यों बनते हैं, चित पावन ब्राह्मणी क्यों बनते हैं भाई। वो सेवा दल के बाद उसी की नकल करके निकले हैं वो बैलाज, देख लीजिए हमारा 1923 में बना, 1925 में बना, और वो सारे मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी पहले उठा चुकी है जिसको ये लोग नकल कर रहे हैं, चाहे वो राम की बात हो, चाहे गाय की बात हो, है ना, वो सारे, चाहे वो स्वदेशी की बात हो, सब कांग्रेस ने उठाया है। वंदे मातरम हमने सबसे पहले शुरुआत की तो सबका नकल ही कर रहे हैं, उसके नया क्या है ये होता है। राजधानी रायपुर को इस